हेलो एवरीवन, मैं अमित जुनेजा आप सब लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट लेकर आया हूं, जो कि सेक्टर 37D के अंदर आने वाले 5 से 7 दिन के अंदर लॉन्च होने वाला है। इस प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने सिग्नेचर ग्लोबल डीलेक्स DXP2 रखा है और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की सारी फैसिलिटीज भी मिलने वाली है। आज मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल बताऊंगा, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या आप लोगों को एमिनिटीज मिलने वाली हैं, प्लस में मैप की हेल्प से आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की लोकेशन भी दिखाऊंगा, ये प्रोजेक्ट कहां पर बेस्ड है और इसके नियर बाय क्या क्या आप लोगों को बसावट देखने को मिल जाती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में। सिग्नेचर ग्लोबल का IPO लॉन्च हो चुका है और अब ये एक लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। अभी तक आप लोगों ने सिग्नेचर ग्लोबल के अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट देखे थे, फिर इन्होंने लग्जरी सेगमेंट के लो राइज बिल्डर फ्लोर लॉन्च किए। अब ये बिल्डर पहली बार अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के अंदर कदम रखने वाला है और इसके अंदर आप लोगों को हाई राइज अपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा। जैसा कि पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये प्रोजेक्ट जो है सिग्नेचर ग्लोबल डीलेक्स DXP2 के नाम से लॉन्च किया जाने वाला है। इस प्रोजेक्ट में आपको 3BHK और 4BHK का साइज देखने को मिल सकता है और अगर हम 3BHK की बात करें तो वो 2300 स्क्वेयर फीट के आसपास से स्टार्ट होगा और अगर हम 4BHK की बात करते हैं तो वो 3100 स्क्वेयर फीट के आसपास से स्टार्ट रहेगा। और साथ में मैं आप लोगों को इसका प्राइस भी बता देता हूं। फिलहाल आज की डेट में अगर आप जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसके अंदर 14,000 रुपये पर स्क्वेयर फीट का प्राइस देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ ही यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद कंपनी इसका प्राइस 15,000 रुपये पर स्क्वेयर फीट कर देगी और लॉन्च में इसका प्राइस 16,000 रुपये पर स्क्वेयर फीट के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप लोग अगर इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अपना मन बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप लोगों को 5,00,000 रुपये का EOI का चेक देना पड़ेगा। ये चेक नॉन बैंकेबल रहेगा, साथ में आप लोगों को KYC के डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या क्या एमिनिटीज मिलने वाली है। ये प्रोजेक्ट टोटल 16.5 से 17 एकड़ के आसपास का रहने वाला है और इसके अंदर आपको 7 से 8 टावर देखने को मिल जाएंगे और अगर हम ग्रीन एरिया की बात करते हैं तो आपको 70 से 75% के आसपास का ग्रीन एरिया भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम किसी टावर के अंदर एंटर करते हैं तो आपको उस टावर के अंदर ट्रिपल हाइट की लॉबी भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा व्यू क्रिएट करती है। हर टावर में आप लोगों को 2-2 एक और यूनिट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप लोगों को व्यू भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा, प्लस में इसके साथ आप लोगों को बालकनी का एरिया भी काफी अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है। और टावर की हाइट की बात करें तो आपको ग्राउंड प्लस 30 फ्लोर के आसपास देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का कहना है कि आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर हाई स्ट्रीट रिटेल भी देखने को मिल जाएगा और अगर आप फ्लैट की बात करते हैं तो इटालियन मार्बल आप लोगों को ड्राइंग डाइनिंग में देखने को मिलेगा, प्लस में वुडन फ्लोरिंग आप लोगों को बेडरूम में देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ मॉड्यूलर किचन भी कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। ये सारी अल्ट्रा लग्जरी फैसिलिटीज आप लोगों को कंपनी प्रोवाइड करने वाली है इस प्रोजेक्ट के अंदर और इवन सिग्नेचर आप लोगों को 80,000 स्क्वेयर फीट के आसपास का क्लब हाउस भी बनाकर देने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की लोकेशन दिखा देता हूँ मैप के थ्रू, ये प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ से ही रामप्रस्ता सिटी की तरफ ये रोड टर्न हो रहा है, ये आप मेरा कर्सर देख सकते हैं। आपको इसी रोड पर ही चलना है स्ट्रेट और अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को 1 किलोमीटर के आसपास अंदर आना है। यहाँ अंदर आने के बाद आप लोगों को ये जो कर्सर मेरा है, पॉइंट मैंने करा है, इस लोकेशन पर आप लोगों को अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट आता हुआ दिखाई दे जाएगा सिग्नेचर ग्लोबल। और अगर इसके नियर बाय लोकेशन की बात करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल मिलेनिया 4 भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल मिलेनिया 2 भी अवेलेबल है। ये दोनों प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग के हैं और कनेक्टिविटी वाइज और आपका जो है लोकेशन वाइज ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा रहने वाला है। अब मैंने आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की लोकेशन दिखा दी, ये प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है, आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज बता दी, इसके अंदर क्या साइज आने वाला है उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को समझा दिया। अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड है या आप जो है EOI के चेक देना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं या अगर आप लोगों को साइट विजिट भी करनी है तो भी आप लोग मुझे इसके रिगार्डिंग कॉल कर पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को अपनी तरफ से भी जो बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट हो सकता है वो भी मैं अपनी तरफ से देने के लिए ट्राई करूंगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।